हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपके एक बार फिर से स्वागत है एक वीडियो आज की डेट में आ चुका है यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं मार्केट में आएगी फिर एक बार बाहर ओके एक बार फिर से हरा रंग आता हुआ दिखाई देगा मार्केट में जितनी गिरावट थी मेरे हिसाब से हो चुकी है एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगी और उसके बाद चीजें अच्छी खासी होती हुई दिखाई देगी और दो से तीन साल बाद यहाँ पर निफ्टी डबल होता हुआ दिखाई देगा जब निफ्टी डबल होता हुआ दिखाई देगा तो स्टॉक्स वहां पर दो गुना और तीन गुना होते हुए दिखाई देंगे तो आपको उसी तरीके से रणनीति बनानी है बट हम यहाँ पर दो गुना तीन गुना नहीं हमें केवल अपने टारगेट मीट करने हैं हमें केवल उस आ, हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से चलना है हमें दस लाख के एक करोड़ एक करोड़ रुपए बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं बीस साल में उसके लिए हमें चालीस का सी निकालना है और 40 के निकालने के लिए हमें वो करनी है मेहनत तो आइए वीडियो की की तरफ आगे बढ़ना है। आगे हम हम देखेंगे आज की रेट में हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है टाटा स्टील टाटा स्टील में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड बातें करेंगे टाटा स्टील में कितनी गिरावट हुई उससे रिलेटेड बातें करेंगे और एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है उससे रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े चाल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर जो कि आपका चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए और सारी वीडियोस को जाके देखिए लाइक करिए कमेंट करिए सीखिए सीख के अपने आप भी कोशिश करें और कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती एक दिन आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलने के बाद चीजें अप, अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी होती रहेगी और जो न्यू इन्वेस्टर्स है जाके वीडियो को जरूर देखें चीजों को समझने की कोशिश करें बाई और सेलिंग की कोई भी आपको रिकमेंडेशन है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है हमारे कहने पर यहाँ पर सीखना है और सीखने के लिए वीडियोस दी जाती है और अगर हमसे कांटेक्ट करना है हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना तो ये पर्टिकुलर नंबर दे रखा है इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करिए कॉन्टैक्ट करिए यहाँ पर हम आपको बेहतरीन पोर्टफोलियो आपका क्रिएट कराते हुए दिखाई देंगे जो सूनर और लेटर आपको एक बेहतरीन अच्छा खासा पैसा यहाँ पर मार्केट में कमाता हुआ दिखाई देगा तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे टाटा टाटा स्टील स्टील की 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 अगर आज डेट बात करें तो लगभग छियासठ लाख शेयर ट्रेड हुए चौबीस लाख शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे जिसमें थर्टी की डिलीवरी बेसिस पे यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर शेयर को ले जाया गया फिफ्टी टू लो की बात करें पांच था और आज की डेट की बात करें तो लगभग हजार रुपए पे शेयर यहाँ पर ग्यारह के आसपास ट्रेड कर रहा है पंद्रह यहाँ पर ये यह हाईएस्ट इसने लगाया और इसके बाद शेयर अच्छा खासा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है मार्केट कंपनी अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने एक्विजिशन वगैरह भी किया टाटा स्टील हैज इनफॉर्म द एक्सचेंज अबाउट एक्विजिशन ऑफ ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है सुकिंद्रा रेलवे लिमिटेड इसका एक एक्विजिशन भी किया है रिजल्ट आते रहते हैं कंपनी यहाँ पर डिविडेंड के मामले में काफी बेहतरीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट इशू भी लाती रहती है यहाँ पर बोनस सब मिलता रहता है 2018 में दस रुपए दो में तेरह रुपए बीस में

मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो आयरन यहाँ पर स्टील बनाता है दिखाई देता है और वो भी इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ पर देखिए का फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी इन 1907 में यहाँ पर बनाया है द द कंपनी हैज प्रेजेंस अक्रॉस इंटायर वैल्यू चेन ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड द माइनिंग एंड द प्रोसेसिंग आयरन कोर आयरन ओर एंड कोल टू प्रोड्यूस द डिस्ट्रीब्यूट फिनिशिंग प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर uh, ये यह जो कंपनी है ओके ये आयरन ओर से यहाँ पर स्टील बनाती हुई दिखाई देती है कच्चे अच्छे आयरन को यहाँ पर पका के यहाँ पर स्टील और आयरन बनाती हुई दिखाई देती है यहाँ पर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हुई दिखाई देती है इसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर इनका टारगेट है इंक्रीज डोमेस्टिक स्टील मेकिंग कैपेसिटी मतलब यहाँ पर जो इनका प्लांट्स है यहाँ पर ये कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं टू मिलियन टन पर एन एम बाई मतलब दो तक तीस मिलियन टन पर एन का यहाँ पर इनका यहाँ पर टारगेट यहां पर बनाया हुआ है इसके अलावा यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड और भी जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर किस किस प्रोडक्ट को बनाती हुई दिखाई देती है यहां पर हॉट रोल्ड कोल्ड रोल्ड कोटेड आ, कोटेड स्टील रे, रेबास वायर रॉड्स ट्यूब वायर्स एटसेट्रा जो ग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें इंडिया से इनका फिफ्टी रेवेन्यू आता है यूरोप से ट्वेंटी यूके से नाइन एशिया से एशिया एक्सक्लूडिंग मतलब इंडिया को छोड़ के बाकी एशिया की जितनी भी कंट्रीज है वहां से अदर

है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो प्लांट्स हैं कहाँ कहाँ प्लांट्स हैं यहाँ पर इन सभी चीजों से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने बात कर रखी तो है तो कंपनी काफी बेहतरीन है अब जब बात करी जा रही है कि पांच लाख करोड़ रुपए यहाँ पर इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर केवल आ, सीमेंट से नहीं बनेगा केवल यहाँ पर यहाँ पर आ, आ, दीवारों से नहीं बनेगा यहाँ पर दीवारों के अंदर जो सरिये है लगते हैं यहाँ पर जो स्टील लगता है जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है यहाँ पर चाहे रोड हो चाहे यहाँ पर कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल्स हो तो यहाँ पर सब चीज में यहाँ पर स्टील का यूज होना ही है और जब स्टील का यूज होना है आयरन के प्रोडक्ट्स यूज होने हैं तो इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट इट इज द बेस्ट कंपनी जो यहाँ पर प्रोडक्ट डिलीवर करेगी तो कंपनी काफी बेहतरीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में जान सकते हैं यहाँ पर इनके प्रेजेंस से रिलेटेड हमने ऑलरेडी बात कर ली है कंपनी के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके वर्कर की बात करें लगभग सिक्सटी फाइव थाउजेंड यहाँ पर इनके वर्कर है प्रोडक्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट वाइज प्रोडक्ट्स यहाँ पर जा सकते हैं यहाँ पर देखिए सारे के सारे प्रोडक्ट्स ये बनाते हुए दिखाई देते हैं Uh, तो एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट करिए तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को सुनने को और आपको पता चलेगी कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है तो हर जगह यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स यूज होने ही है और इंडियन रेलवे में भी यहाँ पर ये यह अपनी हिस्सेदारी निभाने वाली है तो ऑब्वियस यही बात है ये शेयर और भी तेज भागता हुआ दिखाई देगा अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की तो कंपनी की मार्केट कैप की बात करें लार्ज कैप कंपनी है वन लाख थर्टी वन थाउजेंड फोर्टी एट करोड़ रुपीज का यहाँ पर मार्केट कैप है चार के पीई पे शेयर मिल रहा है आर ओ सी आर ओई की बात करें बारह परसेंट का आर ओ सी आर है डेट की बात करें एटी फाइव परसेंट डेट भी है बट इन्होंने काफी अपना डेट रिड्यूस किया जो कि हम आगे देखेंगे वैल्यू वैल्यू इज द वैल्यू जहां पर ए, आपको एक ट्रू वैल्यू दिखाई देती है ट्रू uh, वैल्यू की इस शेयर की वैल्यू इतनी तो एग्जैक्टली exactly होनी चाहिए तो उससे तो यहाँ पर हाफ प्राइस पे चल रहा है तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर आपका पैसा डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऑलरेडी फिफ्टी गिर चुका है तो यहाँ पर आपको फिफ्टी टारगेट

है, फिर उसके बाद चीजें ऊपर जाती है और जब बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज यहाँ पर अच्छी खासी होगी वर्ल्ड में यहाँ पर सब इंडिया अपने यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हाईेस्ट एवर रिजल्ट आ रहे हैं सिक्सटी करोड़ रुपीज का यहाँ पर सेल्स हुई है मतलब साठ करोड़ की सेल्स हुई है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर ग्यारह करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है जो कि यहाँ पर कंपनी बीच में घाटे में चल रही थी इससे पहले कभी भी इस तरीके के प्रॉफिट नहीं आए और अगर हम यहाँ बात यहाँ पर बात करते हैं कि अगर इसी तरीके से यहाँ पर चार क्वार्टर निकल गए तो यहाँ पर 44000 करोड़ रुपीज का लगभग बारह चुका साठ बारह पंजे लगभग 48000 करोड़ रुपीज का यहाँ पर इनअप प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता तो कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पर आ, न, 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 यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ आगे के टाइम में और दिखाई दे सकता है और जब हाईएस्ट एवर नंबर्स यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कंसिस्टेंटली uh, दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर आप समझिए ये शेयर का नीचे आना तो एक अपॉर्चुनिटी है इसके अलावा यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें तो ईयरली बेसिस पे एक अच्छी खासी ग्रोथ है यहाँ पर बीच में हर्डल्स आते रहते थे ओके यहाँ पर गिरावट भी हुई थी जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कम्यडिटी में एक चीजें आती है तो यहाँ पर कुछ भी यूरोप में या फिर दूसरी कंट्रीज में होता है तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है बट यहाँ पर अगर देखें तो एक कंसिस्टेंट

आधा तो नहीं कहूंगा लगभग यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर इन्होंने uh, well रिजर्व थे वो नब्बे करोड़ के रिजर्व हो गए रिजर्व का बढ़ना डेट का कम होना फिक्स यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में बीस करोड़ रुपए है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चौहत्तर करोड़ रुपए का कर रखा है कैश की बात करें अट्ठावन करोड़ का कैश है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई है ये सारी पॉजिटिव यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है जो कि अच्छी धीरे धीरे यहाँ पर पॉजिटिव हो रही है यहाँ पर इस बार जो भी यहाँ पर इन्होंने सामान बेचा है वहां से उन्हें चुम्बालीस करोड़ रुपए आए हैं आर की बात करे तेरह परसेंट का आरओ देखिए आर कभी भी इतना नहीं था यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दिया अब दोबारा देखिए बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट्स की प्रमोटर्स की होल्डिंग प्रमोटर्स की होल्डिंग 34.41 परसेंट की है एफ की बात करें ट्वेंटी की यहाँ पर एफ की होल्डिंग है जो की यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस क्वार्टर में डीआईएस की बात करें वो थोड़ी सी यहाँ पर स्लाइटली एक की कम हुई जो यहाँ पर एक की कम हुई वो यहाँ पर थोड़ी सी एफ ने ले ली और थोड़ी सी यहाँ पर पब्लिक में चली जाती हुई दिखाई दे रही है पब्लिक में चौबीस दिखा

गिर गया है वो भी यहाँ पर आप देख लेते हैं तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लगभग 30% शेयर यहाँ पर करेक्ट हो चुका है तो 30% शेयर करेक्ट हो चुका है ऊपर 43% का हमें टारगेट साफ नजर आ रहा है कि 43 पर 43% का टारगेट ये मुझे लगता है अगर एक साल में भी मिल जाता है तो सीधे कितना हो गया तो आप अब बात कर लेते हैं की।, की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक रजिस्ट्रेंस बना लिया है ओके इससे पहले यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेंस यहां बनाया इससे पहले सेम रेजिस्टेंस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है इससे पहले की अगर बात करें यहाँ पर भी देखिए सेम रेजिस्टेंस बनाया

और एक टारगेट नजर आता है वो कौन सा टारगेट इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू उन्नीस रुपए की जो इसकी वैल्यू आ रही है उन्नीस रुपए का मतलब क्या है उन्नीस रुपए का मतलब है सीधा सीधा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट और कितना प्रॉफिट तो यहाँ पर अगर उन्नीस रुपए पे हम जाते हैं तो आपको पता चलेगी यहाँ पर लगभग लगभग नब्बे परसेंट तक का प्रॉफिट लगभग एट्टी फाइव परसेंट तक का प्रॉफिट आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखिएगा यहाँ पर से चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है आर की बात करें तीस के यहाँ पर आर पे चल रहा है इससे पहले भी देखिए यहाँ पर से ही चीजें तीस के आर पे आई थी तो यहाँ पर चीजें यहाँ पर देखिए यहां पर भी तीस के आरह सी के आसपास आई थी फिर चीजें भागी थी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर भी गिरावट हुई थी फिर भागती हुई दिखाई दी थी एक लंबी खासी अच्छी खासी भागा था शेयर तो इसी तरीके से यहाँ पर गिरावट हो रही है तो अपॉर्चुनिटी है की रणनीति अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प और खुद की रिस्क लेने की क्षमता उसके ऊपर आपको सब चीज डिपेंड करेगी किसी को ब्लेम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं बन बनाना है किसी भी चीज के लिए आप खुद अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लेंगे मैं ऑलरेडी इसमें बायर हूं यहाँ पर कुछ और चीजें बेच के यहाँ पर और मैं बाइंग करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर अच्छी खास है यहाँ पर चीजें दिखाई देती है तो बाइंग सेल की आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है चीजें अच्छी लगे आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेना हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर दे रखा है यहाँ पर इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दूसरी वीडियो को जाके देखिए लाइक करे कमेंट करे शेयर करे और इसी चीज को हमें अच्छी चीजों को यहाँ पर खरीदना है इस गिरावट में सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस